गंभीर आजाराशी झुंज देणाऱ्या सोलापुरातील इस्माईल मणियार या 21 वर्षाच्या युवकाचा जीव वाचवून शास्त्रीनगर येथील MIM चे कार्यकर्ते व फारूक शब्दी यांचे कट्टर समर्थक मानले जाणारे अज्जूभाई व हरीशभाई कुरेशी यांनी माणुसकीचे दर्शन दाखवले आहे. इस्माईल मणियार हा युवक मूळचा शास्त्रीनगरचा, सध्या तो MIDC परिसरात राहत आहे. त्या युवकाला हाडाचा बोन कॅन्सर झाला होता. ही बाब जेव्हा MIM चे कार्यकर्ते अज्जूभाई व हरीशभाई कुरेशी यांना कळाली तेव्हा त्यांनी तातडीने इस्माईल मणियार याच्यावर मुंबईत उपचार केले. मुंबईत शस्त्रक्रिया करून इस्माईल मणियार याचा एक पाय कट करण्यात आला, त्यामुळे त्याचा पुढील धोका कमी झाला. इस्माईल मणियार याला मदत केल्यानिमित्त त्याच्या आई वडिलांनी MIM चे इच्छुक उमेदवार हरीश कुरेशी व अज्जूभाई यांचे आभार मानले आहेत. अज्जूभाई व हरीशभाई कुरेशी हे MIM चे शहर जिल्हाध्यक्ष हाजी फारूक शाब्दी यांचे कट्टर समर्थक मानले जातात. आजपर्यंत या दोघांनी शास्त्रीनगरमध्ये विविध सामाजिक उपक्रम राबवले आहे, अनेक गोरगरिबांना मदत केली आहे. सोलापूरचा त्याचबरोबर शास्त्रीनगरचा विकास व्हावा, लोकांच्या अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी MIM च्या माध्यमातून ते अनेक वर्षापासून सामाजिक काम करत आहे. अज्जूभाई व हरीशभाई कुरेशी यांनी इस्माईल मणियार याचे जीव वाचवल्याबद्दल स्वतः इस्माईल मणियार व त्याच्या आई वडिलांनी MIM चे अज्जूभाई व हरीशभाई कुरेशी यांचे आभार मानले आहे. इस्माईल मणियार याचे 2 बंधूसुद्धा दिव्यांग आहेत. घरची जबाबदारी इस्माईल मणियार याच्यावरच असताना असा मोठा प्रसंग उद्भवला आणि त्या प्रसंगातून अज्जूभाई आणि हरीशभाई कुरेशी या दोघांनी त्याचा जीव वाचवला. यानिमित्त त्याच्या आई वडिलांनी देखील आभार मानले आहे. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माईल मणियार है. मैं 2020 से बहुत परेशान था, मुझे ऑस्टियोसार्कोमा, एक बोन कैंसर था घुटने में, पैर में. तो मुझे जब से मैं हॉस्पिटल घूम रहा था तो मुझे जरिया नहीं मिल रहा था, मैं बहुत परेशान था. तो मैं अज्जो भैया और आरिस भैया को मिला, मेरी प्रॉब्लम बताया. तो अज्जो भैया और आरिस भैया मुझे बताए कि अपन रिलायंस हॉस्पिटल में जाकर इसका ऑपरेशन करेंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे. तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी दुआ सुनी और हरीश भैया और अज्जो भैया को जरिया बनाया और हम मुंबई गए रिलायंस हॉस्पिटल में. जाकर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है तो पैर बचाना मुश्किल है, तो पैर कट करेंगे तो पेशेंट की जान बच सकती है. तो अज्जो भैया और हरीश भैया ने मुझे बहुत हिम्मत अफजाई की मेरी, कि बोले तू टेंशन बिल्कुल मत ले, अपन तेरा ऑपरेशन करेंगे और तुझे आर्टिफिशियल लेग भी लगाएंगे. तो मैं वहाँ गया, मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ऑपरेशन कराए, मेरे साथ में खड़े रहे, मेरी हिम्मत बने. और वहाँ की जो फैसिलिटी भी थी बहुत अच्छी थी, चैरिटी में मेरा ऑपरेशन करा के दिए, लास्ट तक मेरा साथ दिए और बार बार मेरे घर पर आकर मुझे फॉलोअप भी लेते थे और बोलते थे कि तेरा पैर गया है तू टेंशन बिल्कुल मत ले, अपन आर्टिफिशियल लेग लगाएंगे और तू हमारे में घूम फिर सकता है. अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है जो मुझे हरीश भैया और अज्जू भैया से मिला है. अल्लाह का एहसान है और मैं आज ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत तंदुरुस्त और अच्छा हूँ. इंशाल्लाह आर्टिफिशियल लेग लगा कर मैं चल फिर सकता हूँ. शुक्रिया बहुत. अस्सलाम वालेकुम. इस्माईल मणियार मेरा बड़ा बेटा है और इसे 21 साल की उम्र में ऑस्टियोसार्कोमा मेडिकल साइंस में और बोन कैंसर जिसे बोलते हैं वो हुआ था. और हम बहुत से डॉक्टरों के पास गए, बहुत परेशान हुए. डॉक्टरों को जल्दी समझ में नहीं आया उसका इलाज करने का, कैसा वो भी समझ में नहीं आ रहा था, हम बहुत भटक रहे थे. तो एक दिन हरीश कुरेशी और अज्जो भाई से हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने हमें मुंबई ले के गए, रिलायंस हॉस्पिटल में लेके जाके एक नंबर डॉक्टर से मिले वहाँ. और वहाँ मेरे बेटे का चेकअप हुआ. फिर जब तक मेरे बच्चे का पैर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी, बहुत सूजन आ गई थी, तो डॉक्टर हमको पैर निकालने की बात बोले. बहुत तकलीफ हो रही थी हमको, हमारा बच्चा अपंग हो जाएगा, हैंडीकैप हो जाएगा. एक तो मेरे छोटे 2 बच्चे हैं वो भी बहरे और गूंगे हैं, उनको बात भी नहीं आती, सुनाई भी नहीं देता.
मेरा बड़ा लड़का अच्छा था या मैं पास था, उसको ऐसी बीमारी लगने के बाद हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, माली हालत से भी और जो जज्बाती हालात हैं वो भी बहुत बुरे हो गए थे। ऐसे वक्त में हारिस भाई और अज्जू भाई हमको दिलासा दिए, हमारी हिम्मत बढ़े, हमको मुंबई ले जाकर बच्चे का हमारे ऑपरेशन करे। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर बोले कि पैर निकालने से बच्चे की जान बच सकती है, अगर पैर रख कर अगर उसका ऑपरेशन करेंगे तो कल को दोबारा वो बीमारी दोबारा आ सकती है, इसलिए पैर निकालना पड़ा। तो अभी मेरा बच्चा बेड पे है, वो चल नहीं फिर नहीं सकता। तो इतना पढ़ा लिखा बच्चा, एक ही बड़ा मेरा बेटा जिम्मेदार है, अगर ऐसा हैंडीकैप रहेगा तो मेरे तीनों बच्चे हैंडीकैप, हम आगे की ज़िंदगी कैसा गुजारेंगे। तो हारिस भाई और अज्जू भाई इसके बारे में भी हमको बताएं कि एक आर्टिफिशियल लेग मिलता, वो लेग बटा के आपके बच्चों को चल फिर सकते हैं, ऐसा बनेंगे, उसे काबिल बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे तुम्हारी, तुमको एक पास पैसे भी खर्चा होने नहीं देंगे, ऐसा दिलासा दिए। और वो हमारे वास्ते बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमेशा बार बार आते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, हमारी हालात के बारे में पूछते हैं, हमको हिम्मत देते हैं। अभी ये आर्टिफिशियल लेग के बारे में भी वो बार बार आ रहे हैं, हमसे मुलाकात करके हमको तसल्ली दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं। उनकी वजह से हमारे अंदर एक हिम्मत तैस है, इतनी बड़ी बीमारी को लेकर हम बहुत परेशान थे, हमेशा रोते रहते थे, उनकी वजह से हमें एक दिली तसल्ली मिल गई, दिलासा मिला है। अल्लाह उनके उम्र में दराजी अता फरमाए, उन्हें हर गरीब के मदद के लिए उनके अंदर हिम्मत पैदा करे, हमेशा वो गरीबों की मदद करते रहें, ऐसी हम दुआ करते हैं उनके लिए। हमारे दिली दुआ है उनके वास्ते कि हमेशा वो गरीबों के वास्ते काम करते रहें, अल्लाह उन्हें दीन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की अता करे।